ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज देखिए आपको एक हल्दी की किस्म है जिसको हम आमा हल्दी बोलते हैं। और ये देखिए इतना बीच का एक कंद लगाया गया था और काफ़ी मतलब आधा आधा केजी का एक एक कंद हो रहा गया अगले साल में। ये देखिए अभी दो चार दिन कल परसों में बारिश हुई तो मिट्टी चिपकी, देखिए कितना भारी भारी हो रहा है। तो ये आमा हल्दी है, जहाँ करचूर हल्दी हमारे रक्त का साफ करता है वहीं पे आमा हल्दी क्या कि हमारा दर्द निवारक का काम करता है। जैसे आपको पता ही चोट मच होती है तो ये बताया गया है हल्दी चूना भांग इनका लेप लगाया जाता है, तो उसमें आमा हल्दी बहुत अच्छा रोल है। जैसे हड्डी टूट रही है तो उसके ऊपर भी हम इसको गर्म करके बांध सकते हैं, तो उसमें दर्द में भी राहत मिलता है, सूजन में भी, और ये जोड़ने में भी मदद करता है। तो आमा हल्दी का इसकी पहचान देखिए, मैंने सेक्शन कार्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये बीच में देखिए हल्का सा एक गोल सा होगा, उसके चारों तरफ होगा, ये हल्की सी येलो कलर में होती है और इसमें आम जैसी खुशबू आती है, तो इसे आमा हल्दी इसीलिए बोला जाता है। आमा हल्दी मतलब आम जैसी खुशबू। ऐसी एक हल्दी होती है जो वाइट होता है, जैसे ये येलो हो रहा है उसकी जगह वाइट है, वो कस्तूरी हल्दी है, वो भी हमारे पास है। तो ये हल्दी की एक वैरायटी है जो मैं लगाने के लिए लेने आया हूँ, और इसे लगा करके अगर फार्मर चाहें तो अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। इसकी मांग रहती है मार्केट में, या वैद्य हकीम लोग अपने घरों के आसपास भी लगा सकते हैं, 20-25 गांठ लगा दें तो उससे भी उनका काम चलता रहेगा। तो ये अपने गमले में भी लगाएं, इसमें खुशबू भी आती है और पत्ते भी देखने में अच्छे होते हैं, हल्दी की तरह ही हैं पत्ते भी इसके, अब तो सूख गए हैं। तो ये आमा हल्दी है, और इसके ज़्यादा इसकी जानकारी लेनी हो तो आप गूगल बाबा की भी मदद ले सकते हैं, और वैसे तो ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन नहीं है, तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि असली आमा हल्दी की पहचान। तो ये असली आमा हल्दी है, और जैसा अन्य अगर आपको इसका कोई उपयोग पता हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले वे साथ में सभी लोगों को पता चले और सब इसका उपयोग कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।